मोकामा के हाथीदह थाना क्षेत्र में सिर्फ 2 मिनट में एक प्रेमी युगल की शादी संपन्न कराई गई। दरअसल दरगाही टोला दुर्गा मंदिर के पास एक प्रेमी युगल को संदिग्ध स्थिति में देखकर लोगों ने पूछताछ करनी शुरू की तो पता चला कि दोनों भागकर शादी करने की फिराक है। लोगों ने दोनों को अपने अपने परिजनों को बुलाने कहा। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह सूचना पाकर जब दोनों के परिजन आए तब पता चला कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग विगत 4 वर्षों से चल रहा है। दोनों के परिजन अपने अपने औलाद को घर ले जाने के लिए मनाने लगे, पर प्रेमी युगल इस बात पर अड़ गए कि अगर दोनों की शादी नहीं हुई तो घर जाकर आत्महत्या कर लेंगे। इस बात से डरे दोनों के परिजनों ने उसी का क्षण प्रेमी युगल की शादी कराने फैसला लिया और हाथीदह दुर्गा मंदिर में मां के नवमी रूप सिद्धिदात्री के सामने पुजारी ने प्रेमी युगल से उनकी सहमति पूछी। जब दोनों ने हाँ कहा तो दोनों के परिजनों की उपस्थिति में सिर्फ 2 मिनट में शादी संपन्न करा दिया गया और उपस्थित परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों ने दोनों को सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। विदित हो कि प्रेमी मोकामा थाना क्षेत्र के मोकामा घाट का रहने वाला है और प्रेमिका हाथीदह थाना क्षेत्र के ओंटा गांव की रहने वाली है और इस तरह सनातन विवाह के इतिहास में एक अनोखी शादी सिर्फ 2 मिनट में संपन्न हो गई। ब्रजकिशोर पिंकू के साथ अनिल कुमार वरिया संवाददाता।